हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है दृष्टि दीप्सी महाराणा। उन्होंने मुझसे टाटा स्टील मास्टर्स के फोर्थ राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था 2023, अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है। उसमें फोर्थ राउंड में मुकाबला डिंगलेरिन वर्सेज रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में था। खैर, मैं यहाँ शुरू करता हूँ e4 के साथ। यहाँ डिंगलेरिन ने शुरू किया, प्रज्ञानंद ने यहाँ e5 खेला, Nf3, Nc6, Bc4 इटालियन इनिशिएट हुआ, Bc5 सिमेट्रिकल इटालियन कह सकते हैं इसे, कैसल बाय वाइट, देन Nf6, d3, देन d6, c3, देन हुआ a6 गुइको पियानो, रुक आया e1 स्क्वायर पर, बिशप a7, देन a4, और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया। मैं यहाँ थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गेम थोड़ी लंबी है। h3, देन बिशप आया e6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, बिशप टेक्स e6, एफ टेक्स e6, देन बिशप e3, सेम काम यहाँ वाइट ने किया। प्रज्ञानंद ने एक्सेप्ट किया बिशप एक्सचेंज को, बिशप टेक्स e3, एफ टेक्स e3, देन हुआ a5, तो नाइट एट बी गोज टू d2, क्वीन गई d7 स्क्वायर पर, देन क्वीन b3, पोजिशन इज वेरी मच इक्वल। यहाँ पर बी पॉन पर अटैक है, नो इश्यूज, बी पॉन को b6 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है। देन रुक अटैक गोज टू d1, व्हाइट ने अपने रुक्स को सेंट्रलाइज किया, किंग गया h8 स्क्वायर पर, क्या होगा, डी पोन आगे पुश करना है लगता है, सही है, लेकिन क्वीन b5, क्वीन के b5 स्क्वायर पर आने के बाद देखते हैं नाइट d8, नाइट एक्सचेंज ऑफर है, क्वीन टेक्स d8 डिंगलेरिन ने किए, नाइट टेक्स d8, लेकिन ब्लैक के दोनों नाइट्स थोड़ा सा मैं कहूंगा ऑकवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं। d4, देन नाइट f7 स्क्वायर पर, अगर ब्लैक यहाँ पोन एक्सचेंज के लिए जाता है तो ठीक है, नाइट भी ठीक ठाक स्क्वायर पर जा सकता है, किंग f2, देन नाइट g5, और किंग के f2 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ पर प्रज्ञानंद ने सही फायदा उठाया है नाइट की पोजीशन का। किंग गया e2 स्क्वायर पर, नाइट एक्स f3, नाइट एक्स f3, देन नाइट f6, और डायरेक्टली यहाँ इस e4 पॉन पर अटैक है, तो नाइट d2, वापस e4 पॉन पर डिफेंस यहाँ लेनिन ने किया। किंग गया g8 स्क्वायर पर, देन रुक f1, रुक अटैक गोज टू e8, देन रुक f3, रुक एट ए गोज टू d8, और अब ब्लैक ने काफी देर के बाद अपने रुक्स को सेंट्रलाइज किया है, g4, देन हुआ d5, रुक एट f गोज टू f1। आई थिंक पॉन एक्सचेंज को अब शुरू करना शुरू कर देना चाहिए था, काफी देर हो चुकी है, लेकिन कम से कम ब्लैक तो ऑप्ट कर सकता है। ब्लैक के पास क्या क्या तरीके हैं, आइदर डी पॉन को एक्सचेंज करे या नाइट से यहाँ इस e4 पॉन को ले, लेकिन यहाँ ऑप्ट किया गया e takes d4, c takes d4, d takes e4, देन g5, नाइट पर अटैक, नाइट या d5 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स e4, पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा। सेंटर की बात करूं तो थोड़ा वीक पॉन ब्लैक के पास है, व्हाइट के दो कनेक्टेड पॉन्स यहां पर सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन प्रज्ञानंद का यही मूव मैं कहूंगा मावलस है। उन्होंने यहाँ सीधा ई पॉन को आगे पुश किया। इस पॉइंट पर अगर डी टेक्स e5 के लिए व्हाइट जाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स है, क्या रुक टेक्स e5 होगा और नाइट पर अटैक होगा, नाइट को अगर कहीं भी हटाया जाएगा तो चेक काफी डेंजरस हो सकती है। मान लेते हैं कि रुक d4 जैसी ऑप्शन वाइट ऑप्ट करेगा, देन उसके बाद प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, कैसे, सी पॉन आगे पुश करके रुक पर अटैक होगा, रुक को फोर्थ रैंक में रखना जरूरी होगा, लेकिन अब ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक के पास पॉन सेक्रीफाइस की पूरा पोटेंशियल चांसेस है। b5 का मतलब सीधा एक ही होगा, a takes b5 होने के बाद नाइट b6 स्क्वायर पर जाएगा और रुक्स पर प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि एक्शन सेक्रीफाइस, एक्शन डाउन, यहाँ पर वाइट होगा। खैर, यहाँ पर डिंगलेरिन ने रुक को f5 स्क्वायर पर प्लेस किया। आई डोंट थिंक पॉन को पिन करने का इरादा है किसी भी एंगल से, इरादा तो है क्योंकि यहाँ अगर ब्लैक e takes d4 के लिए जाएगा तो रुक टेक्स d4 होने के बाद नाइट पर प्रेशर जरूर बन चुका होगा यहाँ पर ब्लैक के, व्हाइट अपने नाइट तो ऑलरेडी बचा ही चुका होगा। खैर, यहाँ गया नाइट b4 स्क्वायर पर, देन हुआ d takes e5, रुक टेक्स d1, किंग टेक्स d1, देन नाइट आया d3 स्क्वायर पर, और दोबारा उस पॉन एडवांटेज यानी कि e5 पॉन पर अटैक बन चुका है, किंग आया c2 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक है, नो इश्यूज विद, नाइट टेक्स e5, नाइट गया d2 स्क्वायर पर, देन रुक e6, देन हुआ रुक f4, रुक c6 चेक, किंग गया b1 स्क्वायर पर, देन नाइट d3। एंड गेम के लिए नाइट रुक वर्सेस नाइट रुक, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ गेम रहने वाली है। रुक आया d4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, लेकिन उससे पहले एक चेक आई, किंग आया a2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट b4 चेक, किंग पहुंच गया b3 स्क्वायर पर। फिलहाल ब्लैक और कोई चेक्स नहीं दे सकता, किंग f1, देन नाइट c4, किंग g6, देन हुआ
H4 किंग H5, तो नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और नाइट E5 स्क्वायर पर आने के बाद रुक E1, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। इसका डिफेंस क्या है? आइदर यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश किया जाए, वो भी स्ट्रांग डिफेंस नहीं है। यहाँ लेनिन ने डिसाइड किया कि वो अपने रुक को E4 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे। देन हुआ रुक H1, और इस एच पॉन को बचाना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नाइट D7, रुक टेक्स H4, रुक आया E7 स्क्वायर पर, यहाँ G7 पॉन पर अटैक है। किंग टेक्स G5, तो पॉन मिल चुके हैं यहाँ प्रज्ञानंद को। रुक टेक्स G7 विद चेक, किंग आया H6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक, रुक E7 देन किंग G5। तो वैसे मेरे ख्याल से चेक्स का सिलसिला कंटिन्यू रह सकता था, लेकिन यहाँ नाइट F8, नाइट के F8 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं लगता H7 स्क्वायर का अटैक डिंग लेरेंट के दिमाग में रहा होगा, क्योंकि एच पॉन आगे पुश होकर सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हाँ, नाइट से चेक देकर नाइट को रीशफल जरूर किया जा सकता था, लेकिन चेक दी पर रुक से दी यहाँ लेरेंट ने। किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन रुक F7 चेक, किंग गया E4 स्क्वायर पर, और पॉन को लेने की पूरी तैयारी है। नाइट G6, हाँ ये मूव अच्छा हो सकता था अगर चला जाता, रुक पर अटैक बनता, लेकिन यहाँ रुक टेक C7 किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि किंग टेक C3 सेंटर का पॉन मिला, और इसके बाद यहाँ लेरेंट ने अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर रख के रुक पर अटैक बनाया। रुक पहुंच गया D4 स्क्वायर पर, देन रुक H7 पॉन पर अटैक है। तो क्या तरीका है प्रज्ञानंद के पास इस पॉन को बचाने का? फिलहाल तो कोई नजर नहीं आता, तो चलो एक चेक दे देते हैं। रुक D3 चेक, किंग गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D5, और यहाँ पॉन को डिफेंड भी कर लिया गया है। रुक E7 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन रुक B7 पॉन पर अटैक है। और अगर एक बार B6 पॉन गया तो प्रज्ञानंद को डेफिनेटली यहाँ रेजाइन ही करना पड़ेगा। रुक D6, नाइट पर अटैक, पॉन पर डिफेंस, दोनों काम हो गए। नाइट पहुंचा F4 स्क्वायर पर, देन H4, पॉन आगे भी पुश हो गया यहाँ पर प्रज्ञानंद का। रुक G7, देन किंग F3, नाइट पर अटैक, नाइट H3, देन नाइट C6, नाइट G5 चेक, किंग F4, नाइट पर दोबारा अटैक, नाइट पहुंच गया H3 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किंग गया F3 स्क्वायर पर, नाइट G5 चेक। ड्रॉ करने वाली सिचुएशन, मुझे नहीं लगता अब प्रज्ञानंद ड्रॉ के लिए तैयार भी होंगे इस गेम में। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट H3, नाइट D4, देन रुक आया G4 स्क्वायर पर। नाइट पर थोड़ी देर के लिए प्रेशर जरूर है, लेकिन रुक C6 चेक, किंग गया D5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। रुक से एक और चेक आई C5 स्क्वायर से, किंग पहुंच गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5 चेक। और अगर वाइट ने यहाँ इस H4 पॉन को ले लिया होता तो बहुत मावलस यहाँ फोक लग गई होती। वेल, किंग गया यहाँ से D7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F3, रुक पर अटैक बना, रुक गया G6 स्क्वायर पर। सारी स्ट्रेटजी यहाँ इस एंड गेम की है, और जो भी बी फाइल के पॉन्स को ले सकता है, इधर वाइट और ब्लैक, वो यहाँ इस गेम को जीत जाएगा। रुक D5 विद चेक, किंग गया E6 स्क्वायर पर, अटैकिंग नाइट एंड दिस रुक। तो नाइट आया E3 स्क्वायर पर, रुक पर डिफेंस हो चुका है। नाइट G1 चेक, किंग गया E4 स्क्वायर पर, देन नाइट H3, रुक D4, और फाइनली फ्रेंड्स वो मूव यहाँ प्रज्ञानंद को लगाने का मौका मिल गया, जिससे यहाँ दोनों पॉन्स को बचाना वाइट के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। वाइट ने फिलहाल तो बी पॉन को आगे पुश कर दिया है, लेकिन रुक B4 एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन यहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी एक मूव चला रुक को F4 स्क्वायर पर ले जाने का। और ये मूव किस लिए चला है? ताकि चेक देकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट, नहीं पॉन लिया जा सके, H4 पॉन को लिया जा सके, नहीं होने वाला, क्योंकि किंग पहले ही D3 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है और H4 पॉन पर डिफेंस कर लिया है। कोई डिफेंस का तरीका नहीं है वाइट के पास इस B3 पॉन का। फ्रेंड्स, मैराथन गेम थी, एक अच्छी एंड गेम मैं कहूंगा। दोनों का पेशेंस लेवल भी खिलाड़ियों का चेक हुआ होगा इस गेम में। मुझे उम्मीद है आपका भी पेशेंस लेवल जरूर चेक हुआ होगा इसको देखने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।